अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। और आज मैं बनाने लगा हूँ एप्पल कैबेज सैलड रेस्टोरेंट स्टाइल। हाउ टू मेक एप्पल कैबेज सैलड रेस्टोरेंट स्टाइल। माय इंग्रेडिएंट्स आलमंड, ड्राई फ्रूट एंड गार्निश एप्पल कैबेज एंड क्रीम। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हम इसको करते हैं, एप्पल कैबेज को हमने यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। तो हम इसकी कटिंग के लिए हमने ये करना है, इसको ऐसे इधर से इसको कर देंगे, इसकी छोटी कटिंग। इस तरीके से ये देखिए एप्पल का भी इतनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है काटने से। इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे और ऐसा ही हमने इसके एप्पल को काटना है। इसी तरह हमने इसको जैसे ये बंद को भी काट लिया हमने, ये देखे छोटे छोटे पीसेस बन गए इसके सारे। अब हमने क्या करना है, इसमें इसको रख ले यहाँ पे। अब एप्पल को यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे, यहाँ से ऐसे, ताकि वो साथ वाला हम इसको निकाल दें। ये ठीक हो गया। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे निकाल दें। इनकी कटिंग के लिए बेस्ट तरीका ये है, यहाँ से ऐसे कितना इजी कट गया है। ठीक है, इस तरह क्यूब्स काट लेनी है ऐसे, और ये प्यारे भी लग रहे हैं। और हमारी ये सैलड बहुत मज़े का है और आप लोग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे खाते भी हैं, तो आपको ये सेम कंपटीशन रेसिपी है। रेसिपी सेम है लेकिन ऊपर जो मेरी गार्निश है वो इससे ज़रा डिफरेंट है रेस्टोरेंट से। तो मैं इसको एक बड़े बाउल के अंदर इसमें इनको ले लेता हूँ, मैं एप्पल को और मैम गोभी को। ठीक हो गया, इसके अंदर डाल के फिर इसमें हम डालते हैं क्रीम। ये इसमें जाएगी क्रीम, क्रीम और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, साल्ट, ब्लैक पेपर साल्ट ही है। अब इसमें क्रीम हमें और मकदार में ज़रूरत है, कितनी हमने ये डाल दिया। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ से ये ब्लैक पेपर डाल दी है। इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, अब इसको हमने करना है बीट। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे तो बड़ा मज़े का ये सैलड बनेगा। ये देखिए इसकी शक्ल भी, लुक भी कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके अंदर ये डालेंगे। ये देखिए है ना मज़े का सैलड। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हमने इसको छोटे बाउल के अंदर हमने इसको डाल देना है। ऐसे छोटे बोल के अंदर छोटा बोल मारा बढ़ गया है, बोल मारा बढ़ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक VIP गार्निश करनी है। और गार्निश के लिए हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं, हमने ये देखे इसको यहाँ पे टमाटर ये लगाए हैं स्लाइस, और फिर यहाँ पर हमने खीरा, टमाटर
फिर हमने पकड़ा है खीरा टमाटर, ये ऐसे इनको लगाते जाना, ठीक है। ये देखा कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है माशाल्लाह, और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो, और गार्निश भी देखना, गार्निश भी अच्छी लगी है और देखने में खूबसूरत लग रही है, ऐसे आप घर में बनाएं। तो ये वीडियो भी आप अगर आपको ये देखें, मैं इसके ऊपर आप ये दूसरी चीज़ें ड्राई फ्रूट लगा रहा हूँ और साथ में हम इसके ये आलमंड, ये मैं रख रहा हूँ आलमंड की गार्निश हो गई है, और साथ में ये क्या VIP गार्निश हुई है। अब मैं इसके ऊपर ये लगा देता हूँ, ये है ना खूबसूरत गार्निश, वाह ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत सैलड बना है, और देखकर दिल भी खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, वाह वाह वाह। और इस तरीके से आप करें तो मैं ये दूसरी चीज़ें भी लगा रहा हूँ। तो यकीनन ये आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी, तो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।